तो आज हम बनाने वाले हैं व्रत का ढोकला। तो जी हाँ, व्रत का ढोकला बनाने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा मुलायम सा है, बहुत ही ज़्यादा जालीदार है। तो ये जो व्रत का ढोकला है, कैसे बनाया जाता है, इसका मेजरमेंट परफेक्ट क्या है, जिस वजह से ये ढोकला इतना स्पंजी बना है और जालीदार बना है, तो चलिए देखते हैं इसका वीडियो। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप भगर, इसे समा के चावल भी कहते हैं। इसके जो दाने होते हैं थोड़े से महीन से होते हैं, बारीक से होते हैं। तो ये जो 1 कप भगर है वो हम डालेंगे बर्तन में, और भगर को हमें यहाँ पे साफ करना है। तो अब हम डालेंगे इसमें पानी, और पानी से हमें इसे साफ करना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो पानी है मैला सा दिख रहा है। हमें यहाँ पे 3 से 4 बार भगर को धोना है। तो मैंने यहाँ पे भगर को धो दिया है। तो भगर हमारा यहाँ पे एकदम साफ हो चुका है और पानी भी एकदम साफ है। तो हमें यहाँ पे भगर को 2 घंटे तक पानी में भिगो के रखना है। तो अब हम यहाँ पे ढक्कन से इसे बंद कर देंगे। अब लिया है मैंने यहाँ पे दूसरा बर्तन। अब बर्तन में हम डालेंगे 1/2 कप साबूदाना। साबूदाना को हमें यहाँ पे धोना है। तो अब मैं डाल देती हूँ पानी, और साबूदाना को हमें यहाँ पे 3 से 4 बार अच्छे से धोना है। तो मैंने यहाँ पे साबूदाने को धो लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी हमें इतना डालना है कि साबूदाना पानी में डूबा हुआ रहे, और बस थोड़ा सा पानी ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब इसे हम बंद कर देंगे ढक्कन से। तो साबूदाना को भी 2 घंटे तक हम फूलने रख देंगे। भगर को भी 2 घंटे रखना है, और साथ ही साथ में जो साबूदाना है उसे भी 2 घंटे पानी में भिगो के रखना है। तो 2 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ पे भगर यानी कि जो समा का चावल है वो फूल चुका है, साथ ही साथ में साबूदाना। तो देखिए जो साबूदाना है एकदम बढ़िया तरीके से फूल चुका है, बहुत ही आसानी से मसल रहा है, और जो भगर है वो भी अच्छे से फूल चुका है। तो भगर का जो पानी है वो हम हटा देंगे पूरी तरीके से, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो ये जो भगर है वो हम डाल देंगे मिक्सर जार में, और साथ ही साथ में जो साबूदाना है वो भी हम डाल देंगे मिक्सर जार में। और अब इसमें डालना है हमें पानी। तो जैसे कि आप देख सकते हो पानी का जो लेवल है वो साबूदाना के लेवल तक आ रहा है, बहुत ऊपर पानी नहीं होना चाहिए। अब हम इसे पीस लेंगे। तो हमें एकदम फाइन पेस्ट में इसे पीसना है। तो हमने यहाँ पे इसे एकदम फाइन पेस्ट में पीस लिया है। इसमें हम अब डालने वाले हैं दही। तो दही हम 2 चम्मच डालने वाले हैं। दही यहाँ पे बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब डालने वाले हैं इसके अंदर शक्कर। तो शक्कर यहाँ पे 2 टेबलस्पून डालेंगे। तो अब हम यहाँ पे ढक्कन को बंद करेंगे और एक बार इसे अच्छे से पीस लेंगे फिर से। मैंने यहाँ पे लिया है ये स्टील की प्लेट, और इसे सिंगदाने के तेल से हम ग्रीस कर लेंगे। तो ये जो बैटर है इसे निकाल लेंगे हम बर्तन में। तो अब ये जो बैटर है इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसे बेकिंग सोडा को हमें यहाँ पे अच्छे से मिलाना है, फेंटना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो बैटर है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फूल चुका है। इसके अंदर मैंने डाला था 1/2 टीस्पून सिट्रिक एसिड, वो मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पाई थी। तो इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है, और 1/2 टीस्पून सिट्रिक एसिड यानी कि जो नींबू का फूल होता है वो डाला है। इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा ये फ्लफ़ी हो चुका है बैटर। तो ये जो बैटर है एकदम तैयार हो चुका है। तो ये जो बैटर तैयार हो चुका है इसे हम निकाल लेंगे प्लेट पर, और ये जो बैटर है इसे बहुत ही अच्छे से हम फैला देंगे, और एकदम लेवल में कर देना है इसे। बात का ध्यान रखिए हमें यहाँ पे प्लेट को थपथपाना नहीं है। तो अब हम देंगे इसे भाप। तो यहाँ पे कढ़ाई में पानी गर्म हो चुका है, और आंच को मैंने यहाँ पे तेज़ ही रखा था, लेकिन अब आंच को मैंने यहाँ पे धीमा कर दिया है, और बीच में मैंने यहाँ पे रखा है ये रिंग। अब ये जो ढोकले की प्लेट है वो हम रख देंगे, और धीमी आंच पे ढक के हमें करीबन 20 मिनट तक इसे भाप देना है। तो एग्जैक्टली 20 मिनट हो चुके हैं, और धीमी आँच पर हमारा ये जो भगर और साबूदाने का जो ढोकला है तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा स्पंजी सा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे चेक करके देख लेती हूँ ये चिपक रहा है कि नहीं। तो देखिए एकदम क्लियर है, ये चिपक नहीं रहा है। तो अंदर से भी अच्छे से ये हो चुका है। तो गैस को हम यहाँ पे बंद कर देंगे, और ढोकले को एकदम ठंडा होने के लिए रख देंगे।
तो यहाँ पे जो ढोकला है ठंडा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा स्पंजी सा है। तो अब हम यहाँ पे इसे काट लेते हैं। तो यहाँ पे आप छुरी को देख सकते हो, ढोकला बहुत ही ज़्यादा मक्खन की तरह कट रहा है। तो इसके हम तैयार कर लेंगे पीसेस। तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। आप इसे व्रत में भी खा सकते हो, आप अगर व्रत नहीं हैं तो भी बना के खा सकते हो। तो हमने यहाँ पे जो ढोकला है इसके पीसेस तैयार कर लिए हैं। तो ढोकला यहाँ पे हमारा बहुत ही बढ़िया सा स्पंजी सा तैयार हुआ है, और जैसे कि आप देख सकते हो एकदम जालीदार है। जो बैटर हमने तैयार किया है और जो पानी हमने डाला है और जितना भी प्रपोर्शन या मेजरमेंट हमने किया है एकदम परफेक्ट है। तो मैं यहाँ पे दूसरा पीस भी दिखा देती हूँ ढोकला का। तो देखिए ये भी एकदम जालीदार है और बहुत ही ज़्यादा स्पंजी सा है। तो अब हम यहाँ पे इस ढोकले को दे देते हैं तड़का। तो तड़का यहाँ पे बहुत हल्का सा डिफरेंट होगा। तेल यहाँ पे मैंने गरम कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 3 हरी मिर्च कटी हुई, ये तीखी हरी मिर्च है। तो अच्छे से हम थोड़ा सा इसे हिला देंगे ताकि जो हरी मिर्च है अच्छे से फ्राई हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता, और बस ये जो गर्मा गर्म तड़का है वो हम ढोकले के ऊपर चढ़ा देंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सही मेजरमेंट से अगर आप ये ढोकला तैयार करते हो तो आपका ढोकला स्पंजी बनेगा ही, साथ ही साथ जालीदार भी बनने वाला है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा मुलायम से हैं, साथ ही साथ में जालीदार भी हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से टूट रहा है और इसके अंदर भी बहुत ही बढ़िया से जाली आई है। अब इसे हम हल्के हल्के हाथों से दबाएंगे तो एकदम रुई की तरह लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मुझे 100% यकीन है आपको ये व्रत का ढोकला की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बिना भूले सब्सक्राइब कीजिएगा।